노카리아 와이프님 아빠 오리아 Hey guys, good morning and welcome to the channel. तो जो हमारे घर पे जो गणपति जी की स्थापना हुई थी उसका आज डे टू है. आज गणपति जी का विसर्जन भी होएगा तो पापा अपने घर चले जाएंगे. पापा अपने घर पे जाएंगे तो थोड़ा बुरा भी लगता है. चलो कोई नहीं, पापा अपने घर पे जाएंगे तो फिर से हम एक साल उनकी राह देखेंगे अगले साल आने की. तो गाइस मैं अभी आपको पापा के दर्शन करके ये ब्लॉग शुरू करता हूँ. तो बोलो गणपति पापा मोरिया. उठा उठा हो सकळी कर वाचे स्मरावा गजमुखं तमेव तमेव सर्व उठा उठा ऐन वाचा मचिंद्र देवा पूजा करा स्वावत 2000 years later. Guys, good evening. बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आती रही आपको. वजह यह है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहीं से सारे गणपति विसर्जन के लिए जाते हैं. तो आज डेढ़ दिन के गणपतियों का विसर्जन है तो काफ़ी भीड़ है नीचे. काफ़ी सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं विसर्जन के लिए और काफ़ी सारा बैंड ये वो सब बज रहा है. तो हमारे घर पर जो गणपति की जो स्थापना हुई थी उसी की उत्तर पूजा है. उत्तर पूजा मतलब हम अभी गणेश जी को विदा करेंगे. हम गणपति जी से प्रार्थना करेंगे कि अगले साल जल्दी आना और हमारा जो सफ़र है अगले साल तक का ये कुशल मंगल हो आपके आशीर्वाद से. तो चलो फिर अभी हम उत्तर पूजा में मिलते हैं आपसे. वाचे स्मरावा गजमुख उत्तर पूजा हम सिद्धि से जानायक सुखदायक भक्तासी उठा उठा. तो गाइस उत्तर पूजा हो चुकी है. अभी हम गणपति जी को विदाई देंगे तो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे विसर्जन करने के लिए. विसर्जन घाट ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे बिल्डिंग के पीछे ही है. तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसा है. और मेरे बिल्डिंग से ये ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो अभी दिख नहीं रहा है, कुछ अंधेरा है, लेकिन यहाँ से ही सब लोग विसर्जन के लिए जाते हैं क्योंकि हमारी आखिरी बिल्डिंग है. इसके पीछे विसर्जन घाट है. वाचे स्मरावा गजमुखं बाहेर निघताना ना, बाहेर निघताना उलटा ना, उलटा येताना बाहेर, बाहेर येताना उलटा ये घराकडे बघितलं पाहिजे. गणपती बाप्पा मोरिया गणपती बाप्पा मोरिया दुराची माथा अंगी से दुराची माथा शोभत से केशर भाई. जब हम विसर्जन घाट की तरफ जा रहे हैं हमारा दूसरा एक मामा है उनका गणपति है. यहाँ से हम लोग साथ में ज्वाइन हुई है, साथ में यहाँ से हम लोग विसर्जन के लिए जाने वाले हैं. आप देख सकते हो केशर कस्तूरी लल्लाटी हार कंठी साजिरा उठा उठा. तो ये सामने ये विसर्जन घाट है तो काफी नजदीक है विसर्जन घाट मेरे घर से. वाचे स्मरावा
इस पॉइंट तक ही गाड़ियां अलाउड है, इसके आगे गाड़ियां नहीं जाती है। इस पॉइंट से गणपति जी को, इनकी मूर्ति को हाथ में लेके जाके आपको विसर्जन करना पड़ता है। ये अच्छी सुविधा है क्योंकि ट्रैफिक ना हो। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये जो स्पेस है बड़ी स्पेस है लेकिन फिर भी लिमिटेड है कंसिडरिंग जितना ये लोग आते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से ये रिक्शा घूम जाएगी और गणेश जी की मूर्ति को हाथ में लिया जाएगा। तो गाइस आप जो पीछे देख रहे हो ये विसर्जन घाट का गेट है। यहाँ से आगे हमको अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी गणेश जी की आरती होगी, आखिरी आरती, तो विसर्जन किया जाएगा, इनको अपने घर भेजा जाएगा। और हम प्रार्थना करेंगे अगले साल बाप्पा बहुत जल्दी आए हमारे घर पे, फिर से हमारे घर का माहौल प्रसन्नमय करे। भाई आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रबंध किया गया है। यहाँ पे फायर का ट्रक है, एम्बुलेंस है, पानी की सुविधा की है और अच्छी खासी सिक्योरिटी सर्विस भी यहाँ पे है। कानी कुंडलांची प्रभा सूर्य चंद्र जैसे नभा, कानी कुंडलांची प्रभा सूर्य चंद्र जैसे नभा, माजी नागबंदी शोभा स्मरता उभा, जवळी तो उठा उठाओ सकळिक वाचे स्मरावा गजमुख। गाइस अभी आरती हो चुकी है, इसके बाद हम गणेश जी को जाके विसर्जन करेंगे। पिता घटी हाथी मोदकांची वाटी, कासे पीतांबराची घटी हाथी मोदकांची वाटी, रामानंद स्मरता कंठी रामानंद स्मरता कंठी, तो संकटी पावतो उठा उठाओ सकळिक। विसर्जन हो चुका है, आप ये जो देख रहे हो ये जो जहाँ पे ये विसर्जन होता है वहीं की ये पानी में से मट्टी निकाली जाती है और आज रात को हम इसको पूजेंगे और कल सवेरे इस मट्टी को किसी पौधे में हम लोग डाल देंगे। मतलब आई डोंट नो इसके पीछे प्रथा क्या है, बट दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस इयर्स, इतने सालों से।
गाइस इसी के साथ ये वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। होप्सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय।